Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीजे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तूले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। बच्चे शुरुआत करते हैं उन 5 पॉइंट्स की, जो 5 के 5 पॉइंट्स बच्चे हमें याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, कि जिनके सिवा हम काम नहीं चला सकते हैं। वो एक ही करके पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक बात याद रखो, आर्टिकल में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आर्टिकल में हमें सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ने हैं। ये तो सबको पता है बच्चे, आर्टिकल 2 तरीके का होता है। एक होता है बच्चे डेफिनेट आर्टिकल, है ना, सबको पता है ना, जिसे हम आर्टिकल दा बोलते हैं, और एक होता है बच्चे इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं ए और एन। तो बस इन्हीं को लेकर हम लोगों ने 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं 5 पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। सिर्फ उन्हीं 5 पॉइंट्स को पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। अच्छा देखो जरा उन 5 पॉइंट्स को एक एक कर, तो हमारे 5 नंबर 1 पहला दिया है फ्रेजेस जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ 5 ही पॉइंट याद रखने हैं, यानी नंबर 1 आपको वो वाली फ्रेजेस याद रखनी है जिनके साथ सिर्फ आर्टिकल द आता है। नंबर 1 अगर आपने वो सारी फ्रेजेस याद कर ली जिनके साथ आर्टिकल द आता है, आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ आपको याद करना है। नंबर 1 इन 5ों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, ये भी बताऊंगा। नंबर 1 इसको लिख लो, फ्रेजेस जिनके साथ आर्टिकल द डेफिनेट आता है ये। नंबर 2 फ्रेजेस जिनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन आते हैं, वो फ्रेजेस जिनके साथ ए और एन आता है, ये आपका नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट वो जिनके साथ ए और एन आता है। नंबर 3 फ्रेजेस जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ए एन और दार इनमें से कोई आर्टिकल नहीं आता है। नंबर 3 यानी कि आपको 2 तो आपने दिमाग में रखी कि पहले हमें वो फ्रेजेस याद करनी है जो आर्टिकल दा आता है जिसमें, फिर हमें वो फ्रेजेस याद करनी है जिसमें ए और एन आता है, फिर हमें वो ये याद करनी है फ्रेजेस जिसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, बिना फ्रेजेस के आर्टिकल जो होते हैं, हमें नंबर 3 उनको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा नंबर 4 हमने देखा वर्ड्स जिनके साथ आर्टिकल द फिक्स होता है, ये बातें कर रहे हैं हम फ्रेजेस की,
ये बातें कर रहे हैं फ्रेजेस की और यहां बात कर रहे हैं वर्ड्स की। आपको वो वर्ड्स याद करने हैं जिनके साथ आर्टिकल द फिक्स्ड होता है। तो जिनके साथ बच्चे आर्टिकल द आपका फिक्स्ड होता है वो आपको याद करना है, वो भी कौन से ही आपके वर्ड्स हैं, वो भी कौन से बच्चे आपके वर्ड्स हैं। और नंबर 5 पॉइंट आता है जनरल कंडीशंस होती हैं जिनमें क्या होता है कि आर्टिकल हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, आर्टिकल हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पॉइंट नंबर 5 है, ये आपको क्लियर सबको, तो मुझे बोले सर क्लियर। पॉइंट नंबर 5 एवरीबॉडी, साउंड प्रॉब्लम फिर हो गई क्या? वो भी कौन से ही आपके वर्ड्स हैं, वो भी कौन से बच्चे आप बेटा काम चलाओ, इतना भी खराब नहीं है बेटा, कर लो इतना तो कर ही लो, कैसी बात कर रहे हो यार, इतना तो समझ में आ ही रहा है मेरे को, आप आज के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना। आप कह रहे हो सर वॉइस प्रॉब्लम साउंड प्रॉब्लम, इतना तो कर लो मैनेज, ठीक है इतना तो करना बनता है बेटा। क्यों घर में जब फोन पे बात करनी होती है, अगर किसी से कोई बहुत पसंदीदा होता, कोई बहुत चहेता होता, तो उसकी आवाज कम भी आ रही होती तो भी कहते हो हेलो, हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है, अरे जैसी आवाज आ रही आ रही है सुन रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात सुन लेते हो ना। कोई आपसे कहता है कि बेटा मैं आपको 5 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, वो मैं दूंगा तो अरे अरे दोबारा दोबारा दोबारा, क्या कहते हो कि आवाज नहीं आ रही फोन काट दो, है तब तक लिखाओगे, तब तक कहते हो कि हाँ सर सर बताओ 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 कि सर मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा बेटा आपको, कहा 5 करोड़ आगे 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 5 करोड़ दूंगा, ठीक है तो कहते कोई बात नहीं, गेस करने लग जाते हो, आप ध्यान से सुनते हो, सुनते हो नहीं सुनते हो अपने विशाल सर को, ये बात जो आप सीख रहे हो इंग्लिश की इसको भी आज के लिए ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, मैनेज करके चलो, आप तभी मैनेज कर पाओगे, ठीक है। मेरे को एक बार जरा लाइक बटन पे प्रेस करके बताओ यार कितने लोग मैनेज करेंगे, यही तो चीज है जिंदगी में, चीजें खराब सही तो बनती रहती है, और उसको अब क्या करूं मैं, लगा तो रहूंगा ना, वो तो बंद होगा तब मैं चेक कर पाऊंगा क्या हुआ, तभी देख पाऊंगा साउंड को, ठीक है। हाँ यार अपने बाबू सोना के साथ बात कर ले तो, विशाल बाबू के साथ बात नहीं कर रहे तुम, करो देखो सुनो बड़े ध्यान से, एक एक पॉइंट पर आते हैं। पहला नंबर पॉइंट पे आते हैं फ्रेजेस जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है, ठीक है। तो जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है वो फ्रेजेस आपकी हैं, कैसे यूज होती हैं, क्या की बात कर रहा हूं मैं, सुनो कैसे। आपने स्पीक द ट्रुथ सुना है सबने, स्पीक द ट्रुथ जो सबने सुना होगा, स्पीक द ट्रुथ जिसमें आर्टिकल द आता ही आता है, क्यों आता है, कोई इसके पीछे रीजन है? No reason, कोई रीजन नहीं होता, बट ये फ्रेज है जहां पर आपको आर्टिकल था आना ही आना है, और इनके लिए आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आपको इन्हें याद करना पड़ता है बच्चे, आपको इसे लर्न करना पड़ता है। तो जब आप इन्हें याद कर लेते हो बच्चे, लर्न कर लेते हो, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। तो ऐसे करके इन्हें याद कर रहे, इसमें मेरा समझाने वाला कोई रोल नहीं है, जहां समझाने वाला रोल होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपका लिखा हुआ है ऑन द कॉर्नर ऑफ या फिर एट द कॉर्नर ऑफ, तो जब कभी कॉर्नर ऑफ करके कुछ आती है कि इस कोने पे उस कोने पे उस कोने पे इस कोने पे, वहां पर आपको आर्टिकल का लगाना है दिमाग में याद रखा। वॉक डाउन द स्ट्रीट यानी कि गली में चलना, सड़क पर चलना, वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो आपको आर्टिकल का लगाना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, ये फ्रेज है। ऑन द फोन आप किस पर है, आपका आप कॉल पर है, किसी से बात कर रहे हैं, ऑन द फोन है आप, ये वही वाली बात आ गई, समझ गए, है ना। हाँ केवरा बाबू, मेरे बाबू की आवाज नहीं आ रही लेकिन मैं तो सुनूंगा, अरे सुनो उसकी चाहे कितनी भी घर कर आएगी मैं सुनूंगा, सुन लो यहाँ पर भी, ठीक है। ऑन द फोन द होल डे, पूरे दिन की बात होगी, आर्टिकल दा आ गया, स्पीक द ट्रुथ हो गया, और इस तरीके की चीज आती है व्हाट इज द प्रॉब्लम, लोग शॉर्ट बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो दा तो लगाओगे, बिना दा के लिए प्रॉब्लम होगी नहीं, बिना दा के प्रॉब्लम बताई नहीं जा पाएगी, बिना दा के प्रॉब्लम का समस्या का समाधान भी नहीं बता पाएंगे, आपको करना पड़ेगा, ठीक है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट द मैटर सुना है ना, क्या बात है, क्या गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बताओ बताओ बताओ, व्हाट द मैटर, तो आपको डर लगाना पड़ेगा। टेक द डे ऑफ, टेक द डे ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, फ्रेज है जिसका मतलब है चलो ये आज काम नहीं करे, डेले कर दिया, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम बाद में, बाकी चीजें बाद में, तो हम कहते हैं ना आज के लिए इतना ही, बाकी चीज बाद में, बाकी चीज कब करेंगे, कल करेंगे, तो वो आपके लिए टेक द डे ऑफ आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इतनी नहीं है, आप इनको आपके पास जो भी किताब हो, जो भी बुक हो, जहां से भी पढ़ते हो, जो भी हो, आपको अपने दिमाग में रखना है कि आज मेरे को पहले एक ही काम करना है, पहले सबसे पहले उन फ्रेजेस को याद करना है जिसमें आर्टिकल द लगता है, सबसे पहले उन फ्रेजेस को याद करना है जिसमें आर्टिकल द लगता है, समझ गए। चलो भैया थैंक यू वेरी मच, आप मैनेज कर रहे हो, और कोई भी नया बच्चा है जो कहे कि सर आपकी आवाज में टिंग 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 टोंग 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 खर 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 हो रखा है, तो उन्हें आप लोग बता देना कि भैया मैनेज कर लो, समझ लो बाबू से बात कर रहे हो,
भैया अपना बाहू भैया, ठीक है चलो समझ गए। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया जिनके साथ आर्टिकल द आता है। अब दूसरा पॉइंट आओ, फ्रेजेस जिनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आते हैं, वो फ्रेजेस जिनके साथ ए और एन दोनों आते हैं, दोनों आते हैं तो जरा इनको सुनो, ए और एन दोनों आते हैं, तो फ्रेजेस जिनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं देखो क्या है, वो ऐसे करके आते हैं, इन अ हरी, आपने कहा मैं जल्दबाजी में हूं, हम लिखते हैं इस तरीके से आई एम इन हरी, मैं जल्दबाजी में, और गड़बड़ यहीं पर हो गए, जल्दी का शैतान का, तो शैतान वाली कंडीशन में ए आर्टिकल को उड़ा दिया, गड़बड़ हो जाएगा, या पे इंडेफिनिट आर्टिकल जहां आते ही आता आपको याद करना पड़ेगा। तो दूसरी पॉइंट ये हो गई, इन अ हरी जल्दबाजी में हूं मैं, इन अ रेज गुस्से में हूं मैं, अहो इन अ मूड, मूड बना लिया इसने ये मूड में, मूड कैसा भी हो सकता है भाई, इन अ मूड आप अच्छे मूड में हो सकते हैं, अच्छा आपका दिमाग पर चला तो आप अच्छे मूड में हो गए, अब खराब मूड में भी हो सकते हैं, मूड कैसा भी होता है, मूड आपका बनता है जो वो अच्छा खराब दोनों तरीके से बनता है, कोई एक तरीके से नहीं बनता, इन अ मूड, ठीक है। इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब होता है किसी चीज के असमंजस में पड़ जाना, कि यार ये करूं कि ये करूं, मैं क्या करूं, पहले मैं सो जाऊं या पहले मैं पढ़ लूं, असमंजस बहुत होता है ना, हाँ तो एक काम करता हूँ मैं सो जाता हूँ, नहीं 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 ऐसा होता है बहुत बार, है ना, तो क्या करूं, मैं इना फिक्स ऐसे याद करना। दूसरा इना डिलेमा, इना डिलेमा का मतलब भी वही होता है जो इना फिक्स होता है, यानी कि कंफ्यूजन में होना। गो फॉर अ वॉक, आजकल अगर कोई गो फॉर अ वॉक में जाएगा तो पुलिस वालों के पास डंडा होता है बढ़िया वाला, दो होते हैं पुलिस वालों, प्लास्टिक का डंडा भी होता है, वो दिखने में प्लास्टिक का है कहने में प्लास्टिक का, लेकिन वो डंडा बड़ा होता है, अगर आप सोचो प्लास्टिक के बैट से भी किसी को मारोगे ना जो बच्चा खेल रहा होता तो बहुत तेजी से पड़ती है, प्लास्टिक के बैट से भी बहुत तेजी से पड़ेगी, तो वो वही वाला है। तो गो फॉर अ वॉक ध्यान रखना ऐसे करके, ठीक है। मेक अ चांस, कोई चांस बनाना, मेक अ रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, अगर आपने कहा इफ यू वॉन्ट टू डू अ रिक्वेस्ट गलत हो जाएगा सेंटेंस, लोग लिख देते हैं इस तरीके से, मैं लिखता हूं इफ यू वॉन्ट टू डू अ रिक्वेस्ट टू द टीचर, सेंटेंस आपका ऐसे करके रॉन्ग हो जाएगा, जिसको नहीं मालूम तो पढ़ने में सही लगेगा, क्या लगाना पड़ेगा, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू डू अ रिक्वेस्ट की जगह टू मेक अ रिक्वेस्ट, समझ गए। तो बस ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जिससे कि आपको दिमाग में याद रहे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अच्छा, मेक अ नॉइज आपने सुना है, शोर मचाना होता है, ये आप दूसरा देखो, हैव अ टॉक, किसी से बात करना, लेट्स हैव अ टॉक, सुना है ना इस तरीके से, आओ बतियाएं, Let's have a talk, आओ बतियाएं, Let's have a chat, आओ चटियाएं, तो Let's have a talk, Let's have a chat, ऐसे करके बोलते हैं जिससे आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी भी। अच्छा, अगले आपके सामने दो दिए, have a fever, have a sleep, तो have a fever, have a sleep कैसे याद रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा कि मैंने कहा मुझे बुखार है, तो आई हैव अ फीवर, राइट, आपको ऐसे लिखना पड़ता है, एक चीज देखो बहुत सिंपल समझाता हूँ, मेरे को बुखार है तो आई हैव अ फीवर, ठीक है, मेरे को जुकाम है तो आई हैव अ कफ, आई हैव अ कोल्ड, मतलब खांसी है तो कफ और जुकाम है तो कोल्ड, ऐसे करके। बट आप लोगों ने सुना होगा ए फीवर, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, आई हैव अ फीवर, क्या मेरे पास एक फीवर है, एक फीवर नहीं, वो आपकी फ्रेज है और ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए इसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं है, समझ गए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो हैव अ फीवर आप बिल्कुल लगाओगे, हैव अ स्लीप आप बिल्कुल लगाओगे, किसी भी यहाँ पर डिजीज का नेम दिया होगा वो डिजीज बच्चे यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं, ये वो वाला नहीं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर स्कूल में फिर टीचर को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल डिंग 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 स्कूल सर मैडम आई बैक टू से दैट आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर है ना ऐसे करके सिंस लास्ट नाइट So I'm unable to attend this school. Please grant me a one day leave. ऐसे करके वो नहीं है, ठीक है, तो वो सफर के साथ फ्रॉम लगता है, बाकी सफर फ्रॉम नहीं हो रखा है, डायरेक्टली हैव और करके लगाएंगे तो ऐसे लगता है। तो ये भैया दूसरा पॉइंट है, सबने दिमाग में रख लिया, ठीक है, दो तरीके की चीज रख लेनी है, और अभी तो फ्रेजेस की बात हो रही है, वर्ड्स की बात नहीं हो रही, वी टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस, ये फ्रेजेस है, ये सारी की सारी फ्रेजेस हैं, और फ्रेजेस में आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, बोलो सर डन, ठीक है। और जितने बच्चे आते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, थम्सअप नहीं देते तो आपको एनर्जी नहीं आती, थम्सअप देते जाए करो, सेशन में कितनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं, और अब जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल ही अलग, तो थम्सअप दे दो जल्दी से फटाफट से। क्या लिखा हुआ, फ्रेजेस जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, वो फ्रेजेस, ऐसी कौन सी फ्रेजेस होती हैं, जैसे कि हमने क्या बोला, एक सेंटेंस लिखा, मैंने क्या लिखा कि We bought these
shirts. We bought these shirts on a sale. Yesterday. लो सेंटेंस लिखा, बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा. We bought these shirts on a sale yesterday. हमने ये शर्ट्स खरीदी, हमने ये शर्ट्स खरीदी, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को थम्स अप दिया, आई लव यू. सो वी बॉट दीज शर्ट्स, हमने ये शर्ट्स खरीदी ऑन अ सेल, सेल पर ये शर्ट खरीदी, शर्ट्स खरीदी यस्टरडे को. तो बच्चे वो तो गड़बड़ हो जाएगी, ऑन अ सेल रॉन्ग होगा. यही बच्चे ऑन अ सेल रॉन्ग होगा. जब तक आपको पता नहीं है तो आप तो कहोगे नहीं कि रॉन्ग होगा. आपको पता नहीं है तो आप तो कहोगे नहीं. तो आपको यही याद रखना, ऑन अ सेल नहीं होता, ऑन सेल होता है. कोई भी चीज हम लगाते हैं आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो कोई चीज सेल की बात है तो ऑन सेल हो जाएगा, वो ऑन अ सेल कभी भी नहीं होता है. समझ गए तुम जो बोले? यस सर, समझ गए. ठीक है, बोलो सर डन. बोलो सर डन एवरीबॉडी. ठीक है, बहुत बढ़िया, आओ. चलो चलो चलो, अब अपनी वो फ्रेजेस जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है ना, आओ. डन 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 डन. अरे वाह, अरे वाह, कोई चल, ज्यादा नहीं बोलूंगा. किसी को कोई परेशानी हो गई? सर कल अनअकैडमी पे क्लास क्यों नहीं हुई थी? एसबीआई पीओ चैंपियनशिप के बारे में भी कुछ नहीं शो कर रहा है और गुस्से वाले 1 2 3 4 5 6 गुस्से वाले तुमने सीन लगा दिए. बेटा क्लास कल हुई थी राहुल, बेटा कल अकेडमी में क्लास हुई थी. मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था, अरुण सर ने भी डिस्कशन किया था, पुनीत सर ने भी डिस्कशन किया था. तो बेटा राहुल, अगर थोड़ा अपनी नजरों से एक बार जाकर देख आओगे तो आपको मिल जाएगा. यहाँ पर फालतू का इस तरीके से फैलाने की कोई जरूरत नहीं है. तो जाके कृपया करके देख कर आओ, उसके बाद यहाँ पर अगली बार बोलना. और अगली बार बोले ना इस तरीके से तो आपको हमारी टीम उड़ा देगी. तो शांति से देखो, क्लास हुई थी जाके देखो. बाकी चैंपियनशिप शो नहीं कर रहा तो जाके एक बार मेल से चेक करके देखा करो. बोलते ना आपसे कि नोटिफाई वाले पे टैप कर लिया करो. नोटिफाई पे टैप किया नहीं होगा तो कहां से मिलेगी चीजें? कर लिया करो कभी कभी नोटिफाई पे टैप. जिनके पास मैसेज गया होगा उनके पास तो आया होगा ना. हाँ, और किनको पढ़ा दिया फिर हम लोगों ने वहां पर? नहीं, गुस्से वाला साइन तो दे दें एक बार, सर की नोटिस में तो आ जाए, फिर मजा आ जाएगा. क्यों? आओ इन्हें याद करो. एट वॉर यानी कि युद्ध में, एट लीजर, लीजर का मतलब जानते हो क्या होता है? जरूर वो कमेंट में बताओ. लीजर, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट तो सुना होगा ना आपने. एट लीस्ट यू शुड डू इट, एट लीस्ट यू शुड गो देयर, एट लीस्ट यू शुड, एट लीस्ट. अरे भैया कितना एट लीस्ट? एट पीस यानी शांति में, एट रिस्क, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन फायर, और एक मैंने बताया ऑन सेल. In heaven, in love, in debt, karje mein, in silence, in haste, in danger, by name, by accident, by post, for sale, on sale, for sale, दोनों को याद रखना, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर सेल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पता है क्या सुना होगा? जैसे कि आप जा रहे हो कहीं और कहीं ऐसे करके कोई कार खड़ी है, ये ऐसी कार है, ये ऐसे करके कार है, ये रही, ये रही, ये रही. यार कार कैसी बन गई? चलो बन गई कार. और कार के ऊपर ऐसे करके लिखा होता है, बोर्ड लग देते हो, लिखते हैं फॉर सेल यानी कि बिक्री के लिए है ना, ऐसे करके बड़ी वाली सी कार है, समझ गए? ऐसे करके आट लीजर लिख दिया सब लोगों ने. फ्री वाला टाइम, एडवांटेज वाला टाइम. चलो ठीक है, डन डन डन. पॉइंट 3 कंप्लीट हो गए. लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4. राइट, लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 सुन के मजा आ जाएगा. वर्ड्स जिनके साथ आर्टिकल द फिक्स्ड होता है, हम उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, फ्रेजेस की नहीं. किन की बात कर रहे हैं बच्चे? वर्ड्स की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं. तो हम जब वर्ड्स की बात कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं, जिनके साथ आर्टिकल द फिक्स्ड होता है, वो याद करना बहुत बहुत बेहद जरूरी है. क्यों बेहद जरूरी है मैं आपको बताता हूं. जैसे कि हमने कहा ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की सीरीज का नाम दिया होगा तो उसको हम वहां पर आर्टिकल द यूज करना ही पड़ेगा. जैसे कि यहां आ जाओ, दी हिमालयाज नाउन है आपका, जो हिमालयाज है सीरीज का ही तो नाम है. आपकी माउंटेन की सीरीज आ गई तो आपको माउंटेन की सीरीज में आर्टिकल द लग गया. दी ईस्टर्न घाट्स आर्टिकल द लग गया. दी वेस्टर्न घाट्स आर्टिकल डाल गए. माउंटेन की सीरीज है, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं और ये फिक्स्ड है, यहां तो आता ही आता है. पॉइंट नंबर 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन साथ में ये देखो कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसको एक बार आपको बस याद करना है. वंस यू लर्न देम एंड देन रेस्ट
लेट इट गो, फिर आपको इतना प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बस एक बार आपको याद कर लेना, दिमाग में रख लेना है। सेम एज देखो बाकी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा रिवर्स का नाम दिया हो, गंगा हो गया दी गंगा लगाएंगे, नर्मदा हो गया दी नर्मदा लगाएंगे, ब्रह्मपुत्र हो गया दी ब्रह्मपुत्र लगाएंगे, साबरमती हो गया तो दी साबरमती लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से रिवर का नेम होगा तो आर्टिकल द आएगा, ओशियन का नेम होगा, जरा ओशियन के नेम लिखकर मेरे को बताओ फटाफट से, ओशियन का नेम होगा, जैसे आपने क्या कहा अधि इंडियन ओशियन, ओशियन का नाम ही तो आ गया, दी पैसिफिक ओशियन, ओशियन का नाम ही तो आ गया, सी का नाम ले लिया हमने दी मेडिटेरियन सी, दी रेड सी, आप लोगों ने तो और भी नॉलेज होगी, जरा उनके नाम भी फटाफट से मेरे को दिखाओ, उनके नाम भी मेरे को फटाफट से बताओ, ठीक है। अच्छा आ जाओ यहाँ पर, बेज हैं, गल्फ्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, कैनल्स हैं, जरा सुनो बेज की बात करेंगे, ये बे हमारी दी हुई है, तो बे में बे ऑफ बंगाल आता है, बे ऑफ बंगाल आपने सुना तो होगा, तो यहाँ भी लिखा होगा द बे ऑफ बंगाल आ गया, बे ऑफ बंगाल है, द बे ऑफ चाइना आता है, द गल्फ ऑफ कच्छ आता है, द गल्फ ऑफ खंबत आता है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है ना, द गल्फ ऑफ गुआना आता है, आ जाओ ये गल्फ हो गया, और क्या आ गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दी लक्षद्वीप आइलैंड्स, दी नीदरलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही तो हैं। कैनल्स की बात करेंगे, दी इंदिरा गांधी कैनल, दी अल्बर्ट कैनल, ये कैनल का नाम ही तो है, तो कैनल के नेम आएंगे तो आर्टिकल दा लगेगा, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, आपको उसके लिए वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। सेम एज एयरप्लेन्स का नेम आएगा, शिप का नेम आएगा, ट्रेन का नेम, अब मैं इसे बोल नहीं रहा हूं, अब आप देख लो एयर इंडिया, इंडिगो, विक्टोरिया आ गया, पंजाब मेल आ गया, नाम लिख दिए। सेम एज ए डायरेक्शन, रिलीजियस बुक्स और कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा डायरेक्शन आ गया दी ईस्ट आ गया, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ आर्टिकल दा आएगा। अब बुक की बात करेंगे रिलीजियस बुक, तो दी गीता आ गया, दी कुरान आ गया, दी महाभारत आ गया, इस तरीके से राइट, दी हिंदू, दी मुस्लिम्स, दी क्रिश्चियंस, दी सिख्स, इस तरीके से आ गया। समझ गए तो मुझे बोले यस सर समझ गए, डन ना, तो मुझे बोले सर डन डन डन, आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया क्लियर। सब लोग मेरे को बोलो सर कंप्लीट पॉइंट नंबर 4, वी विल कम टू दी पॉइंट नंबर 5, बिकॉज पॉइंट नंबर 5 अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और होता क्या है, जब आप पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, जिसका मतलब है जनरल कंडीशन, जिसमें आर्टिकल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने सुना है कि आर्टिकल दा लगेगा जब हम बात करेंगे, लिखेंगे दी यूएस, आर्टिकल दा लिखा होगा जिसमें हम बात करेंगे दी यूएस की, तो आपको मालूम है यूएस से पहले आर्टिकल दा लगता है। एवरीबॉडी नोज, तो मेरे को जरा फटाफट लिखकर बताओ, यस सर पता है, यस सर पता है ना। और वही अगर हम बात करेंगे यूएस लॉज, तो यूएस लॉज है, क्या जरूरी है यहां पर आर्टिकल दा लिखना, द यूएस लॉज नहीं लिखेंगे तो क्या गलत होगा, कोई गलत नहीं होगा। यही बात एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, होता क्या है कि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां आर्टिकल लिखा हो या ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे आपको रॉन्ग नहीं माना जाता, ये रॉन्ग नहीं माना जाता, अगर यहाँ आर्टिकल दा हो या ना हो आपका बच्चे रॉन्ग नहीं माना जाता है, ये फिक्स्ड है तो यहां लगेगा, यहां कोई फिक्स्ड नहीं है ना, यहां कोई फिक्स्ड नहीं है। जरा आपको मैं बताता हूं, ऐसे ऐसी वो सारी चीजें जहां फिक्स्ड नहीं होती, जिसको आपको बच्चे दिमाग में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा लिखा बॉय, ये बताओ बॉय के साथ दो चीजें पूछ रहा हूं, जिनको लगता है बॉय के साथ आर्टिकल दा आता है वो दा लिखना, जिनको लगता है बॉय के साथ आर्टिकल ए और एन में से कुछ आता है वो ये लिखना, जिनको लगता है बॉय के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल, वो नो आर्टिकल लिखना, और जिनको लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन लग भी जाता है नहीं भी लग जाता है, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता है, तो वो फर्क नहीं पड़ता वाली कंडीशन है, फर्क नहीं पड़ता वाला कंडीशन मतलब फिक्स नहीं होता है। आप एम्फेसाइज करोगे तो आर्टिकल दा आएगा, पहली बार बात करोगे तो एन आएगा, और आर्टिकल नहीं लगाओगे तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा। जरा मेरे को ये बताओ, अब तो मैं इसके लिए बस ऐसा बताओ, आर्टिकल दा लिखना, ये लिखना नहीं, ये लिखना और यहाँ लिखना कंडीशन, ठीक है जो कंडीशन होती है। अब मैं जरा वेट कर लूं आप लोगों का, जरा मेरे को बताओ ये जो कंडीशनल है, आर्टिकल ए वाले भी आ गए यहाँ पर, ठीक है, दा वाले भी आ गए यहाँ पर, डिपेंडिंग आ गए यहाँ पर, नो आर्टिकल एक आया है, डिपेंडिंग आ गया, डिपेंडिंग आ गया, ये डिपेंडिंग वाले है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, कंडीशन पे बच्चे डिपेंड करता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या बात बोली जा रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यही कंडीशन को दिमाग में रखना, आप जरा सुनो, कई बार स्टूडेंट्स पता है यही कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ आर्टिकल दा लगेगा कि नहीं लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज फिक्स होती है ना तो वहां लगेगा, जो चीज फिक्स नहीं होती तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, उसके लिए कुछ भी लग जाता है। जैसे कि आपने ऐसे बात करी, हमने लिखा ऐसे करके कि हमने लिखा ऐसे दी इन्वेस्टिगेशन
प्रूफ, इन्वेस्टिगेशन ने प्रूफ किया दैट द बॉय वॉज कल्प्रेट, जो बॉय था वो कल्प्रेट था। हमने कहा जो बॉय था वो कल्प्रेट था, तो कौन सा बॉय? वो वही बॉय होगा ना जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, यानी उसकी बात हो रही है जिसकी बात पहले कभी हो चुकी होगी। ये आपको जनरली अपने दिमाग में रखना होता है, ये आपको जनरल कंडीशन है जो बच्चे आपको दिमाग में रखना होता है। ये बात आपको क्लियर हुई? ये बच्चे आपकी जनरल कंडीशन होती है जिसको बच्चे आपको अपने दिमाग में रखना होता है। नाउ टेल मी इज इट क्लियर? यार ये तो दिमाग में रखना है क्योंकि फिक्स हो रही है। अभी यही चीज बच्चे आपका सेंटेंस में ऐसे लिखता, फॉर एग्जांपल, अरे यार पूरा अट गया, कंट्रोल जेड से आएगा क्या? आया नहीं। चलो तुम लोगों ने लिख तो ले, रिकॉर्ड तो होगा। अभी अगर हमने ऐसे लिखा होता, आई फाउंड अ बॉय, मुझे एक बॉय मिला, आई फाउंड अ बॉय हु वॉज मेकिंग दैट पेंटिंग, जो उस पेंटिंग को बना रहा था। तो यहां जो मैंने बात करी बच्चे, यहां तो मैंने जेनुलाइज बात करी, मुझे एक कोई एक लड़का मिला जो पेंटिंग बना रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम दैट बॉय, मैं उस बॉय के बारे में पहली बार बात कर रहा हूं। और अगर मैं उसके बारे में पहली बार बात कर रहा हूं, दैट मीन्स वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। यानी कि जनरलाइज जो वर्ड्स होते हैं, अब आप एम्फेसाइज कर रहे हैं तो आर्टिकल द आ जाएगा, और आप पहली बार बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड की वावल साउंड दे रहा है वो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और अगर ऐसा हो रखा आपको पता ही नहीं, आर्टिकल दा जहां पर कोई फिक्स ही ना एम्फेसाइज का पता चल रहा है ना ए और एन का पता चल रहा है, तो आर्टिकल दा लिखा हो या नहीं लिखा हो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये आपको बस पांच ही चीज ध्यान रखनी है, और मैं आपको बता रहा हूं इनके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता। समझ गए? हाँ, ये एम्फेसाइज करके लिख रहे, टुडे इज द विशाल सर, साउंड इज नॉट क्लियर। बेटा साउंड का कर लो तुम लोग आज इंतजाम। मैंने बोला ना आज अपने विशाल सर को बाबू मान लो, बाबू मान लोगे सब समझ में आएगा, बाबू नहीं मानोगे तो नहीं समझ में आएगा। आज के लिए बाबू मान के काम चलाओ, बाकी मैं से करूंगा। बाबू नहीं मानोगे तो फिर सुनाएंगे, अरे वो वाली बात याद कर लो ना कि तुम्हें किसी ने फोन किया, अरे सुनो 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 मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, 5 करोड़ देने वाला हूँ। क्या 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 सारे कान नाका खुल जाएंगे, बाकी पत्नी से नहीं देगा। फिर ये मान के चलो आज के सेशन में ये वाले 5 पॉइंट है, ये बोलो 5 के 5 पॉइंट आपको समझ आए कि नहीं समझ में आए। अगेन 5 पॉइंट्स को एकदम एक बार लिखा जाए तो बच्चे ये हैं आपके 5 पॉइंट्स, इसको आप लिख लेना, ठीक है? ये 5 पॉइंट्स बच्चे ध्यान रखना, ठीक है? ये 5 पॉइंट दिमाग में रखे और कुछ नहीं करना है, और लिटरली बता रहा हूं आप ऐसे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आप सीखते जाओगे। और बाकी भैया ये सीखो, अच्छा लगा आप सभी को तो मेरे को थम्स अप जरूर देना सभी लोग वीडियो में। और आज शाम को मिलते हैं हम 6 बजे अनअकैडमी पर, जैसे कि आपको मालूम है वहां पर भी हम प्रोनाउन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो लोग जो लोग चैप्टर वाइज वहां पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं और इसे बढ़िया तरीके से पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, आप में से जो भी बच्चे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन लेकर बाकी टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप वहां पर कोड यूज कीजिएगा ABP10, ABP10 कोड यूज करने से आपको 10% मिल जाएगा डिस्काउंट, तो ये काम भी आप कर सकते हो। जिसको जरूरत है उस हिसाब से बच्चे आप इसे कर लीजिए। The time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. Sadhan si hai ye baat, parikshak karni hai pass, rok ke rakhna. सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान, इनका शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम
बोल रहा कर दिखा लड़के दिखा रास्ते मोड़ दे। लेट्स क्रैक इट।